हेलो एवरीवन, आजकल हम सभी कैश विड्रॉल के लिए चेक से ज़्यादा एटीएम का यूज़ करते हैं। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एटीएम से कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट प्रोसेस की हो पर आपको कैश डिस्पेंस नहीं हुआ हो और आपका अकाउंट डेबिट हो गया हो? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होना एक आम बात है जहां आपका अकाउंट डेबिट हो जाए पर एटीएम से कैश डिस्पेंस ना हो। ऐसे में जनरली इसके पीछे कुछ रीज़न रहते हैं, जैसे नेटवर्क इशू हो सकता है, बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है या एटीएम में कैश ना हो। तो ऐसे में जनरली 24 आवर्स में बैंक आपकी वो अमाउंट रिवर्स कर देते हैं जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाती है। पर अगर 24 आवर्स में भी वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आती है तो इस तरह की फेल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए आपको एटीएम डिस्प्यूट फॉर्म फिल करके ब्रांच में फिजिकल फॉर्म में देना चाहिए। आजकल ये फॉर्म्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप बैंक की साइट से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें आरबीआई ने सभी बैंक्स को एक टाइम पीरियड दिया है जिसमें हर बैंक को इन ट्रांजैक्शन को सेटल करना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं T+5 days की प्रोविजनिंग। यानी हर बैंक को फेल्ड ट्रांजैक्शन के नेक्स्ट 5 days में इन ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। इस तरह की फेल्ड ट्रांजैक्शन का क्रेडिट T+5 days में आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन 20 जून को की है तो T+5 यानी कि 25 जून तक हर बैंक को उस ट्रांजैक्शन को, फेल ट्रांजैक्शन को सेटल करना ज़रूरी है। अगर बैंक T+5 days में उसे सेटल नहीं करता है तो हर बैंक को 100 rupees per day के अकॉर्डिंगली कस्टमर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर 30 दिनों में भी आपकी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप आरबीआई में बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एटीएम से रिलेटेड फेल्ड ट्रांजैक्शन की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।